हाँ तो दोस्तों, आज इन भक्तों की पोल खोलने वाले हम, तो इसकी शुरुआत हम यहां से करते हैं। भागवत पुराण वैष्णव यानी जो विष्णु की भक्ति का प्रतिपादक है, वह है हिंदू धर्म के दूसरे संप्रदाय शिव और शैवों की निंदा करते हुए कहता है। ये भागवत पुराण चैप्टर 4 वर्स 2 का श्लोक 28 है। तो अच्छा, इसका अर्थ है, अर्थात जो शिव का व्रत धारण करने वाले हैं या जो उसके अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के द्वेषी और पाखंडी हैं। आप समझ रहे हो, जो शिव का व्रत धारण करने वाले हैं या जो शिव के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के द्वेषी और पाखंडी हैं। अतः मुक्ति चाहने वाले लोग शिव की भयंकर मूर्तियों को त्याग कर नारायण यानी विष्णु की शांत कलाओं का ध्यान करते हैं। जैसे भागवत पुराण में हिंदू धर्म के अपने ही देवता शिव पर पुष्प वर्षा की गई है, वैसे ही पद्म पुराण में हिंदू धर्म के एक दूसरे देवता विष्णु पर कृपा दृष्टि की वृष्टि की गई है, वहां लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो विष्णु के भक्त हैं या जो विष्णु के जो अनुयायी हैं, वो विष्णु को शिव से बड़ा दिखाने की कोशिश में ये श्लोक यहाँ पे लिखते हैं, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिव की उपासना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, उनके अनुयायी हैं, वो द्वेषी और पाखंडी हैं। तो यहाँ पे क्लियर ही इनकी ये मत पता चलता है कि ये कैसे अपने को बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं। तो आज इनकी ही कटाक्ष हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या लिखते हैं ये हम देखते हैं। चलो, पद्म पुराण क्या कहता है अब ये देखते हैं। यहाँ पे ये लिखते हैं, विष्णु दर्शन मात्रेण शिव द्रोहा प्रजायते, शिव द्रोहान संदेहो नरकम याति दारुणम, तस्मात विष्णु नामापि वक्तव्यम ना कदाचन। ये पद्म पुराण पुराण मत पर्यालोचन पृष्ठ 529 से उद्धृत है। इसका भावार्थ है, अर्थात विष्णु की ओर देखना भी शिव से द्रोह करना है, और शिव से द्रोह करने से आदमी नरक को जाता है, इसलिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो शिव को मानने वाले हैं, वो विष्णु के लिए बोल रहे हैं कि जो विष्णु की ओर देखना, मतलब जो अगर शिव को मानने वाले लोग हैं, जो शिव की उपासना करते हैं या उनके जो फॉलोअर हैं या डिवोटीज कह लीजिए, अगर वो विष्णु की तरफ देख भी लें, तो ये शिव द्रोह है। यानी मतलब अगर देश के साथ गद्दारी करो तो देश द्रोह है, वैसे ही ये शिव के साथ गद्दारी करना है। भाई, इसमें क्या गद्दारी होगी? खैर, इनका लॉजिक देखते हैं। और शिव से जो द्रोह करता है, इनके हिसाब से वो नरक का भागी होता है। अब नरक स्वर्ग तो किसी को किसी ने देखा नहीं, ये हम भी नहीं मानते। आगे क्या कहते हैं, अब सौर पुराण की घोषणा देखते हैं। सौर पुराण क्या कहता है, चतुर्दश विद्यासु गीयते चंद्रशेखरा तैन तुल्यो यदा विष्णु ब्रह्मा व यदि गध्यते षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्ठाया जायते कृमिया। ये सौर पुराण चैप्टर 40 का श्लोक 15 एंड 17 है। तो इसका हिंदी अनुवाद है, अर्थात 14 विद्याएं शिव का गुणगान करती हैं। जो व्यक्ति विष्णु या ब्रह्मा को शिव के बराबर बताता है, यानी जो व्यक्ति विष्णु या ब्रह्मा को शिव के बराबर बताता है, वह अपराध के कारण 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक ही सजा है। दोस्तों, अभी आप बताइए, अब तो मुझे लगता है ना, ये नास्तिक वास्तिक की छोड़ना पड़ेगी मेरे को, वरना यार कौन भाई टट्टी का कीड़ा बनना चाहेगा, वो भी 60,000 वर्षों तक। खैर भाई, ये टुन्नियों पे इनके रूल्स लागू होते हैं, हमारे ऊपर तो होते नहीं, क्योंकि हम ना ही शिव को मानने वाले ना ही विष्णु को। खैर, ये तो जोकिंग है, लेकिन देखिए ये आपस में कैसा टकराव चल रहा है, और कैसी कैसी घोर कल्पनाएं और कैसी बातें
वाहियात किस्म के इनके लॉजिक देखिए, इनके पनिशमेंट्स भी देखिए भाई साहब, हद है। शिव पुराण में शैवों ने शिव के प्रसाद की बहुत प्रशंसा की है, लिखा है, क्या लिखा है वो देखते हैं। ये शिव पुराण का चैप्टर 22 का फोर्थ श्लोक है, इसमें वो कहते हैं अर्थात शिव के प्रसाद को देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं, उस प्रसाद को प्रसाद को खाता है उसे करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, मतलब कोई भी आप पाप करके आ जाइए और शिव के प्रसाद को देख लीजिए, यानी कि आपके सारे पाप दूर, इसका मतलब कि आपको खुली छूट मिल रही है भाई साहब पाप करने की, क्योंकि आप तो पाप करके आइए और शिव के प्रसाद को देख लीजिए और खा लीजिएगा, तो फिर तो आपके और भी बड़े कर्म या और भी बड़े बड़े जो पाप हैं या कांड हैं वो भी आपके साथ दूर हो जाएं। ये है इनका भाई साहब साइंस, देखिए इनके ग्रंथों का, जो कहते हैं हमारा हिंदुइज्म भाई पूरा का पूरा साइंटिफिक है, सारा कुछ साइंस इधर ही से टपका है। तो देख लीजिए टुन्नियो, आपका साइंस किधर से टपका है और क्या साइंस टपका रहे हैं कि आपको खुली छूट देते हैं सारे के सारे आपके जो पाखंडी देवी देवता हैं कि आप पाप करके आइए और मेरा प्रसाद खा लीजिए, देख लीजिए आपके सारे पाप दूर। ये है वही था लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पद्म पुराण ने कहा है कि प्रसाद केवल विष्णु का खाना चाहिए, शिव का प्रसाद गलती से भी खा लेने पर ब्राह्मण चांडाल के समान नीच हो जाता है। देखिए भाई साहब, पद्म पुराण कहता है कि प्रसाद केवल विष्णु का खाइए भाई साहब, अगर आपने शिव का गलती से भी खा लिया तो ब्राह्मण भी चांडाल के समान नीच हो जाता है। अब देखिए इसका श्लोक पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं। तो इसका भावार्थ है अर्थात द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, द्विजों मतलब जो द्विज हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं को विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए, मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय और आज के जो वैश्य हैं उनको सिर्फ विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण शिव का प्रसाद एक बार खा ले तो यह निश्चित है कि वह चांडाल हो जाता है। तो आज के हिसाब से तो भाई साहब सारे ब्राह्मण चांडाल हैं, और इसमें तो खुद ही कहा गया कि ब्राह्मण मूर्ख होते हैं। तो भाई अब किसी ब्राह्मण को मिर्ची लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपके पद्म पुराण में लिखा है कि आप मूर्ख हो क्योंकि आप तो भाई शिव का प्रसाद खा रहे हो। आज तो भाई जहां देखो तहां मिल जाते हैं, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, आज तो महाकाल के भक्त बहुत ज्यादा है, और इसमें तो आपका पद्म पुराण कह रहा है कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए वरना चांडाल के समान तुम नीच हो जाओगे और मूर्ख भी हो, भाई मूर्ख तो हो ही। अच्छा दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे ये कहते हैं, लिखते हैं नीच शैव भले वैष्णव से श्रेष्ठ। इसमें लिखते हैं वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव होने पर ब्राह्मणत्व तो आदि नहीं रहता, यानी कि जो इंसान वैष्णव हो जाता है उसमें ब्राह्मण जैसा कुछ नहीं रहता, जो आदमी वैष्णव है वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। तभी ये इस्कॉन में जाके बैठ जाते हैं क्या सिद्धि पाने के लिए। जहां जहां पुराणों और स्मृतियों में रुद्र की पूजा अर्चना करने को कहा गया है वह केवल अब्राह्मणों अर्थात शूद्रों के लिए है, ये वशिष्ठ स्मृति का है। इसका पहले ठीक इसी तर्ज पर सौर पुराण ने कहा है यदि कोई शैव पाप कर्मों में रत क्रूर और अपने आश्रम धर्म से शून्य हो तो भी वह हजारों वैष्णवों से श्रेष्ठ होता है। ये है सौर पुराण का चैप्टर 11 का 9th श्लोक है, इसमें सौर पुराण में इन्होंने कहा है कि शैव पाप कर्मों में रत अगर कोई शिव भक्त है और वो पाप कर्मों में रत मतलब यानी बहुत भयंकर पाप करता है, क्रूर और अपने आश्रम धर्म से शून्य हो तो भी वह हजारों वैष्णवों से श्रेष्ठ होता है, यानी कि फिर भी जो वैष्णव होते हैं विष्णु के भक्त, यानी कि आज के कह सकते हो आप ये इस्कॉन वाले भी वैष्णव भी हैं,
इनसे तो हजारों गुना श्रेष्ठ होता है। ये सौर पुराण कह रहा है, भाई देख लीजिए इनका आपसी कितना टकराव है, ये इनका टकराव देख लीजिए। आगे चलते हैं, वृद्ध हरित संहिता क्या कहती है, एवं अर्थात ब्राह्मण घोर संकट में भी कभी भस्म धारण ना करे, जो मुंह बस इसे धारण करेगा उसे शराब पीने का दोष लगेगा। ठीक है भाई साहब, एक इनके विरुद्ध बोलिए, एक इनके विरुद्ध बोलिए।